नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रौनक शाह। आज ट्यूजडे हेल्थ टिप में हम बात करेंगे स्लीपलेसनेस की, उसे इंसोम्निया भी कहते हैं। ये एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरह के होते हैं और ये स्लीपलेसनेस की वजह से हमारी एनर्जी, हमारा मूड, हमारा काम करने की एबिलिटी वो दूसरे दिन काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। सो हर एक आदमी की स्लीप की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। सो क्वांटिटी ऑफ आवर्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट क्वालिटी ऑफ स्लीप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो अच्छी नींद के लिए हमें एक परमानेंट टाइम शेड्यूल रखना चाहिए। ऑल स्क्रीन शुड बी ऑफ बिफोर वी गो टू स्लीप। एंड नींद आने से पहले हमें कोई भी एक्साइटिंग सोचना नहीं चाहिए और एक्साइटिंग बातें करना नहीं चाहिए, जिसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। होम रेमेडीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, माने जीरा का पाउडर, और 1 राइप बनाना मैश करके आपको हर रोज रात को लेना है लंबे टाइम तक। सो उसकी वजह से आपकी नींद काफ़ी अच्छी हो सकती है। सेकंड जो टिप है वो हॉट फ्रूट बाथ है। वो बहुत ही कॉमन है। पूरे बकेट में आपको गर्म पानी लेके 10 या 15 मिनट्स बिफोर यू गो टू स्लीप रखना है और उसकी वजह से आपकी नींद काफ़ी अच्छी हो सकती है। अगर ये दोनों टिप्स आपको नहीं हेल्पफुल रहती है और आपका प्रॉब्लम परसिस्टेंट रहता है तो ज़रूर आपको होम्योपैथिक डॉक्टर का कंसल्ट करना चाहिए, जो आपकी पूरी हिस्ट्री लेगा और उस हिस्ट्री के हिसाब से जो भी कॉजिटिव फैक्टर्स रहेंगे उस हिसाब से वो मेडिसिन देंगे। तो होम्योपैथी मेडिसिन से ये स्लीपलेसनेस परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। सो आई होप यू विल फॉलो द होम रेमेडीज एज वेल एज इफ रिक्वायर्ड यू कैन कंसल्ट योर होम्योपैथिक डॉक्टर। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।